सानी साहब ये बताइए पाकिस्तान की जेल में आप कैसे पहुंचे, क्या वजह थी? देश हित में जो काम करने होते हैं उस देश के लिए काम करने के लिए हम पाकिस्तान तक पहुंचे थे, और वहां कुछ देर काम करने के बाद पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद अंडरस्टूड है कि वहां जेल में ही रखा जाता है। ऐसा क्या काम था कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ा? आप खुद वैयक्तिक काम से, पर्सनल काम से गए थे या सरकार ने भेजा था? किसने भेजा? भेजा तो सरकार ने था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को श्रीलंका में श्री सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा था, इसी तरह हम भी देशभक्त हैं और हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसा काम सौंपा गया था। ऐसा क्या काम था कि देश हित के लिए आपको जाना पड़ा, उसके बाद आपको सरकार ने मतलब आपके तरफ देखा भी नहीं? खैर ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की क्या मजबूरियाँ हैं, मगर हम तो अपने देश के लिए गए थे और देश के लिए ही काम कर रहे थे, और ये देश का फर्ज था, जो हमने अपना कर्तव्य था वो निभाया। अब हमारी सरकार का, भारत सरकार का क्या कर्तव्य है ये उनको देखना है कि कैसे वो निभाते। अच्छा ये बताइए पाकिस्तान की जेल में आपके साथ बर्ताव किस तरह से था? यह तो शायद मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकूं, जो हमारे साथ वहां पर क्रूरता हुई है, जो हमारे साथ देखे हैं, ये हमारा शरीर आपको बता सकता है। इसके ऊपर जो बेड़ियाँ हमें पड़ी रही, 8-8 किलो की बेड़ियाँ पड़ी रही, सालों तक हम टॉर्चर होते रहे, हमारा शरीर ही आपको बता सकता है, शिकंजे तक हम चढ़े हैं। ये तो आप हमारी सरकार देखे कि उन्होंने हमारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। कितने साल थे? मैं 11 साल तक पाकिस्तान की कारावास में रहा। 11 साल में सरकार की तरफ से आपसे कुछ संपर्क हुआ? सरकार की तरफ से हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, बल्कि हमारी अम्बेसियाँ जो वहाँ पर बैठी हुई है टैक्स पेयर मनी से वो पे लेती है, वहाँ सिर्फ मुर्गे खाने के लिए और वाइन पीने के लिए हैं, और जब भी वो आती है तो वो उन कैदियों के ऊपर जो पाकिस्तान की कारावास में कैदी पड़े हुए हैं भारतीय देशभक्त, उनके जख्मों पर नमक छिड़कती हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करती। 11 साल पाकिस्तान की जेल में बिताने के बाद आप छूटे कैसे? ये तो शायद हो सकता है कि भगवान की तरफ से कोई दाना पानी ख़त्म हो गया हो वहाँ का, या कुछ हो, बाकी एमिनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी कोई जोर वगैरह पड़ा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा। इधर से मेरी सिस्टर ने भी बड़ी कोशिश की, मेरी फैमिली ने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद मैं रिपैट्रिएट हुआ। 109 मेल और एक फीमेल थी, जो हम 110 लोग जो थे, ये 23 मार्च 1988 को यहाँ इंडिया में रिपैट्रिएट हुए। मतलब आप सरकार के लिए पाकिस्तान की जेल में गए, इसके बाद आपने खुद संघर्ष करके आप छूट के आए, तो संघर्ष बताइए आपका संघर्ष किस तरह से रहा छूटने का? पाकिस्तान में भी मेरे को हंगर स्ट्राइक बहुत करनी पड़ी, अपने लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा था उसके लिए मैंने वहां पर संघर्ष किया है, हंगर स्ट्राइक की है। मुल्तान जेल के ऊपर हमने 18 घंटे तक कब्जा रखा है, हमारे जो डेड बॉडीज लोग मर जाते थे वहां पर किसी बीमारी की वजह से या कैसे भी टॉर्चर में, उन लोगों को ये गटर में उठा के फेंक देते थे, स्वीपर के हवाले कर देते थे, जाओ इनमें गटर में डिस्ट्रॉय कर दो इनको। उसके लिए हमें हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, प्रोटेस्ट करने पड़े, बारकों के ऊपर चढ़ना पड़ा, तो फिर वहाँ पर हमने ड्राई राशन लिया, अपने लोगों के संस्कार वगैरह भी किए। एक परमानंद राजस्थान का लड़का था जो वहाँ एक्सपायर हो गया, उसको मैंने खुद अपने हाथों से संस्कार किया है, उसकी अस्थियाँ साथ लेके आया हूँ, जो मैंने मीडिया के हवाले की थी, जिसका सबूत है हमारे पास। आप जो अभी भारत के लिए जासूसी करते हैं, उन जासूसों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देश हित में तो काम, अगर किसी पर्सनैलिटी के लिए काम करना है तो हम थूकने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, मगर अगर देश को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमारे ब्लड का जो लास्ट ड्रॉप है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी भारत के लिए कुर्बान है। अगर हमें 10 जन्म भी मिलेंगे, हम 10 जन्म भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए तैयार है। आप जब पाकिस्तान से छूटे हैं, भारत आने के बाद सरकार ने कोई सहायता की है? यहाँ पर हमने पोस्ट टू पिलर हर जगह पर गुहार लगाई, अपना रोना दिखाया, हमारे बच्चों की हालत देखो, हमारी फैमिलियों की हालत देखो, मगर इन्होंने दर बदर छोड़ दिया हमारे को। मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि नो डिफरेंस बिटवीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो मजहब के नाम पर गुमराह करते हैं, यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और हमारी एजेंसी जो है ये देशभक्ति के नाम पर लोगों को ब्रेन वॉश करती है और ये भी यूज़ करने के बाद भूल जाती हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट सब कुछ देती है, मगर जो हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो रेड टेप लगा देते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे देशभक्त जो हैं, जिनकी वजह से आज ये लोग जिंदा हैं, हम दुश्मन के घर में घुसते हैं। एक फौजी जिसे मैं सल्यूट करता हूँ, वो बॉर्डर के ऊपर पूरे आर्म्स लेकर, एमोनिशन लेकर खड़ा रहता है, मगर हम खाली हाथ दुश्मन के सीने के अंदर जाते हैं, वहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, ये वार स्ट्रेटजी बनाते हैं, मगर ये हमें यूज़ करने के बाद फिर भूल जाते हैं।
आपकी भविष्य की योजना क्या है देश के लिए, देश हित में क्या करना चाहते हैं? मैं देश हित में सबसे पहले ये करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो कैदी हैं वहाँ पर, जो देशभक्त हैं, उन तमाम लोगों को वापस छुड़ाया जाए, जो युद्धबंदी हैं वहाँ पर उनको वापस लाया जाए। जो पाकिस्तान के, अगर ये बहाना है हमारी गवर्नमेंट के बाद के वो दुश्मन मुल्क है, वो नहीं छोड़ रहा, हम कह रहे हैं बार बार, मगर जो तुम्हारे हाथ में है वो तो करो, उनकी फैमिली को रिहेबिलिटेट तो करो, उनके बच्चों को नौकरी तो दे दो, कम से कम वो देशभक्त ये तो जान सकें कि हमारे पीछे, हम यहाँ पर देश के लिए काम करने के लिए आए थे, हमारे बच्चों को तो कम से कम गवर्नमेंट ने संभाला है, हमारे देश ने संभाला है, हमारा पैट्राइटिज्म जो है ये आगे बढ़े, ना कि वही पैट्राइट कल के देशद्रोही बन जाए। सरकार का क्या रिस्पॉन्स कैसा है आपकी डिमांड के ऊपर? अभी तक तो हमें कोई पता नहीं चला है, ये गवर्नमेंट को सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है। आपको जब पाकिस्तान भेजा जा रहा था तब गवर्नमेंट ने क्या वादा किया था आपसे? उस वक्त तो ये बहुत वादे करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में दिया जा रहा है, आपको ये होगा, आपकी फैमिली के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब्ज बाग दिखाते हैं। जो वादा किया था वो पूरा किया है? वो हो पूरा होता तो आज हमें यहाँ बैठने की नौबत ही ना आती। किसने वादा किया था, मतलब जो ऑफिशियल है, जो ब्यूरोक्रेट्स ने किया था, जो नाम या कुछ बताइए? वो मिस्टर चड्डा थे, अथॉरिटी थे वहाँ पर, जो भी ये अथॉरिटी डिप्यूट करते हैं वो उनको आगे भेजते हैं, गवर्नमेंट इनको कंपनसेट कर, गवर्नमेंट इनके लिए फंड्स होता है, बजट होता है, हर चीज़ होता है, वो खुद खा जाते हैं, वो लोगों को यूज़ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आज तक कोई भी ऑफिशियल जो है, जिसका ड्यूटी होती है, रा का हो, किसी दूसरी एजेंसी का हो, बीएसएफ का हो, किसी का भी हो, कोई मुझे बताइए कि कोई एक ऑफिशियल भी वहाँ पकड़ा गया हो जिसका, जिसकी ड्यूटी बनती है, जो पे ले रहा है। ये सब गरीब लोगों को, इनोसेंट लोगों को यूज़ करते हैं, और हमारे समाज के सैकड़ों लोगों को इन्होंने यूज़ किया है। मतलब खुद की ड्यूटी आप जैसे सामान्य लोगों के जरिए कराते हैं? हाँ, 5,000 रुपया जो है वो 5,000 रुपया, अगर सपोज करो 5,000 रुपया उनको मिलता है, वो 500 रुपया दूसरे को दे देंगे, रेडी वाले को, खोखे वाले को, टैक्सी वाले को, किसी को, ये 500 रुपया लो, ये हमारा काम कराओ। जिन्हें कभी 2 रुपये नहीं देखे हैं वो 500 मिलेगा, वो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा, वो 4,000 रुपया अपनी जेब में डाल लेंगे। मतलब खुद की जिम्मेवारी दूसरे के जरिए करवा? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है।